हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जीमेल और ईमेल में क्या अंतर होता है, ठीक है, और इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आपका अपना चैनल टेक्निकल है में आपका स्वागत है। आपको इस चैनल पर टेक्निकल से संबंधित आपको अपने भाषा में वीडियो देखने को मिलेगा। आपको इस सप्ताह में 2 से अधिक वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। बाकी प्रत्येक वीडियो में 2 जनरल नॉलेज सीखने को मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं कि ईमेल क्या होता है। ईमेल वो वेब है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर से जो भी हम मेल करते हैं उसे हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रिक मेल। और जीमेल वो सेवा है, मुफ्त सेवा है, जो गूगल द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उसे जीमेल कहते हैं। जीमेल को देखिए, जनता के बीच में घोषणा किया गया 1 अप्रैल 2004 को, 1 अप्रैल 2004 को जब घोषणा किया गया तो उसका स्टोरेज 1 GB था, और फिर बाद में उसको बढ़ा के 2 GB कर दिया गया 1 अप्रैल 2005 को, पूरा 1 साल बाद। यानी देखिए, मूर्ख दिवस यानी फुल अप्रैल का दिन इसका घोषणा किया गया, ठीक है। और पूरा इसका जब साल गिरा हुआ तब इसका 1 GB और बढ़ा दिया गया, यानी 2 GB कर दिया गया। देखिए कैसा चमत्कार की बात है ना। फिर उसके बाद में ये हुआ कि पब्लिक के बीच में आम आदमी जो होता है, जैसे हम आप हो गए, ये सब के लिए जीमेल उपलब्ध कराया गया। कब? 7 फरवरी 2007 को, 7 फरवरी 2007 को उपलब्ध कराया गया आम आदमी को। तो फिर उसके बाद में 24 अप्रैल 2012 को इसका स्टोरेज बढ़ा दिया गया, 7 से लेकर के 10 के बीच में कर दिया गया, ओके। फिर उसके बाद में 13 मई 2013 को इसको 15 GB कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, और जीमेल का स्टोरेज सबसे ज़्यादा है, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, AOL हो गया, सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं। बाकी ये मस्ट है जीमेल। तो यही कंफ्यूजन था आपको ना कि जीमेल और ईमेल में क्या अंतर। देखिए, ईमेल कुछ नहीं होता है, ईमेल एक वो जैसे नाम हो गया, मेल किया जाता है, मेल जो भी मेल हो मेल कर, तो जीमेल ही बनता है, ईमेल नहीं बनता। तो जैसे कि नाम हो गया राजेश पटेल या राहुल कुमार जो भी है, @gmail.com, तो gmail.com वो लगता है जो कि गूगल का है, गूगल का डोमेन नेम है gmail.com। तो आइए अब मेन स्क्रीन पे चलते हैं कि इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि जीमेल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीमेल है, जीमेल ऐप है, अगर आपके मोबाइल में नहीं होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा ऐसा जीमेल। तो यहाँ पे जीमेल पर आप डाउनलोड कर लिए मैं, तो यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे ऊपर लोगो दे रहा है, जैसे आर कोई लोगो लगाता है, कोई नहीं भी लगाता है, जिसका नाम पहला अक्षर से रहता है वो यहाँ पे दिखा देता है ऊपर राइट साइड में आर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे लोगो लगाने के लिए ऊपर आर दिया, यहाँ पे कैमरा का चिन्ह दिया हुआ, यहाँ से आप ऐड प्रोफाइल पिक यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका गैलरी का फोटो आ जाएगा और लगा सकते हैं। तो देखिए, आइए मैं चलते हैं यहाँ पे नया बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे गूगल, तो गूगल पे क्लिक करेंगे। गूगल पे क्लिक करने के बाद में ऐसा चेक इन करेगा, और ये आपका पासवर्ड होगा या फिंगरप्रिंट होगा, तो उसको खोल लीजिएगा, ओके। ये यहाँ पे क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे ये कर लिए, और यहाँ पे नाम अपना डाल लेंगे। नाम डालने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जैसे चूज कर लेना है जो भी हो। यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको जीमेल क्रिएट करने का बोलेगा, जैसा आप जीमेल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आइए हम बनाते हैं। जैसे आपने ये डाल दिया और नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए ये किसी ने बना रखा है, तो ये आपको कुछ अलग कुछ डालना पड़ेगा। देखिए ये मैं फिर दूसरा डाल रहा हूँ,
और मैं यहाँ पे जैसे डाल देता हूँ आरपी, ये डाल दिया। अब देखता हूँ नेक्स्ट करके ये सही है कि नहीं। देखिए ये सही है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड देखिए ये डालेंगे ऐसे, यहाँ पे शो पासवर्ड, यहाँ पे टिक किया है इसलिए दिख रहा है, तो इसको अनटिक कर देंगे, नहीं दिखेगा। ठीक है, अनटिक करने के बाद इसको डाल लेंगे अपना पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद में उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, एक ओटीपी आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ओटीपी करके आ गया, यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करना है और एस आई एम इन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपका बन गया। तो देखिए इस पर अब क्लिक यहाँ पे आगे नेक्स्ट कर देंगे, और देखिए अभी फिर इसको नीचे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, और इसमें ये लॉगिन हो जाएगा, जो भी गूगल हो जो कुछ भी हो इस पर ये सब लॉगिन हो जाएगा। ये अभी लॉगिन हो गया यहाँ पे, तो आइए इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये अभी लॉगिंग हो गया है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 15 GB इसका स्पेस, स्टोरेज स्पेस दिया है। तो यहाँ पे लोगों पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए 0 to 15 यहाँ पे स्टोरेज इसका दिया है, जो 2013 में, मतलब 2013 में इसका स्पेस बढ़ा दिया था। ठीक है, ओके।